अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए। तो बिहार के पत्रकार जो है ये आप लोग जबरदस्ती का खबर बनाते हैं। आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की। और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी को 0 MP है बिहार में। अब आप लोग का ये मानना है कि भाई ये इतना मजबूत दल है कि ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 MP है वो तय करेगा कि वो कौन देश चलाएगा, ऐसा संभव है? नीतीश जी के पास 42 विधायक है और 16 MP है जो पिछले गठबंधन में वो जीते थे। कितना इस बार जीतेंगे वो आपको बेहतर मालूम है हमसे। तो जब आपकी अपनी ताकत नहीं है, आपके अपने 10 MP नहीं है, तो आप देश की राजनीति में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं? 26-27 दल बैठता है, दोनों साइड देखिए, इंडिया में भी और एनडीए में भी। तो उसमें 2/3 दल तो ऐसे जिसका 1 MP नहीं है, वो तो संख्या गिनाने के लिए एक दलों की परिपाटी है, कर्मकांड है कि भैया सबको बैठा लीजिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कोई राष्ट्रीय राजनीति को उलट पुलट कर देंगे। और जहां तक बिहार का सवाल है, चाहे सरकार एनडीए की बने कि इंडिया की बने, बिहार की तो समस्या ये है कि भाई हमारे लिए पलायन कौन रोकेगा। 10 से एनडीए की भाजपा की सरकार है, तो बिहार तो 10 पहले भी 28वां देश का सबसे ज्यादा गरीब राज्य था और आज भी हम लोग देश के सबसे गरीब राज्य है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, पलायन जो मुद्दा है उसको तो ना भाजपा एनडीए ने सुधारा है ना इंडिया ने सुधारा है, तो बिहार के लोगों के नजरिए से कैसे फायदा हो जाएगा? नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए, अपना ठिकाना है नहीं। मैंने आपको वही कहा, जिस पार्टी का 0 MP है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है, जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है वो पूरे देश के पार्टी को एकत्र कर रहा है। आप लोग ऐसी बात करते हैं। फिर आप गए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी 2014 में 5 MP जीती थी सपा, 2019 में भी उनके 5 MP जीते हैं, और आप बात ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि 500 MP आप ही के पास है। तो 2 0 को जोड़िएगा तो उससे क्या होगा? अब हम ये बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि ये भाजपा का बी टीम है। मेरे भाई, भाजपा के बी टीम आप हैं, आप अपनी दुकान चला रहे हैं। ये बिहार में मुसलमानों को मैसेज देने के लिए कि हम प्रयास कर रहे हैं, उनको भी मालूम है कि उस प्रयास से कुछ होना हुआ नहीं है। ये खाली डफली बजाने वाले लोग हैं, ये बैठ के जाकर वहां चाय पीना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना। अगर इससे विपक्ष मजबूत हो जाता तो आज से 20 पहले देश विपक्ष मजबूत हो गया होता। ये लोग अपने घर से निकल के 5 किलोमीटर चल नहीं सकते हैं, कोई दौरा नहीं कर सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते, क्या राजनीति करेंगे? तो सत्ता की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री पद से आज छोड़ दे तो 5 वर्कर उनके साथ नहीं मिलेगा आपको। हम नहीं उनके साथ रहे, हम नहीं जानते उनकी पार्टी का इतना दम है।